सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? जैसे कि आप सभी जानते हैं दैट टुडेस सेशन इज पार्ट ऑफ द सीरीज ऑन द टॉपिक चार्ज अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और ये उस सीरीज का सिक्स्थ पार्ट है। हमने इसके पहले 5 पार्ट्स में सेक्शन 211 से सेक्शन 221 तक बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है, और आज के इस पार्ट में हम सेक्शन 222 को देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सो लेट्स बिगिन विद सेक्शन 222। सेक्शन 222 प्रोवाइड्स व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन वन ऑफेंस चार्ज्ड। Let's see this section in detail. This section says that when a person is charged with an offence consisting of several particulars, अब हमें यहाँ पर pause करना है और ये समझना पड़ेगा कि what is the meaning of offences consisting of several particulars. उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं तो जो phrase आता है वो बोलता है a combination of some only of which constitutes a complete minor offence, and then it says and such combination is proved. But remaining particulars are not proved. He may be convicted of the minor offence, though he was not charged with it. तो आइए हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। So for example, ये दो particulars हैं offences के, जिसको हम बोलते हैं dishonest criminal misappropriation of property. Second particular से contrary to contract. ये दोनों particulars मिलके एक offence बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं criminal breach of trust, जो कि section 405 में defined है, और उसकी punishment section 406 में दी हुई है। तो ये दो पर्टिकुलर्स मिलके एक ऑफेंस बनाते हैं। अब ये तीसरा पर्टिकुलर आता है, जिसको हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर्स ऑफ बीइंग पब्लिक सर्वेंट और पर्टिकुलर ऑफ बीइंग मैनेजर, पर्टिकुलर ऑफ बीइंग एजेंट। अब अगर ये तीनों पर्टिकुलर्स मिल जाते हैं तो एक और बहुत बड़ा ऑफेंस बनता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 409, और सेक्शन 409 की पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट होती है। तो ये सेक्शन बस केवल इतनी सी बात करता है कि अगर इस पर्टिकुलर को हम हटा दें, ये जो पर्टिकुलर आया है पब्लिक सर्वेंट का, अगर मैं इस पर्टिकुलर को हटा दूं, एंड फॉर एग्जांपल अगर जज ने सेक्शन 409 के अंडर में चार्ज फ्रेम किया हुआ है एंड सेक्शन 405 के अंडर चार्ज फ्रेम नहीं किया हुआ है, तो क्या जज सेक्शन 405 में पनिशमेंट दे सकते हैं या नहीं? इसका आंसर है हां, दे सकते हैं। सो इफ यू रीड दिस with the provision which is given, जो बोलता है when a person is charged with an offence consisting of several particulars, so for example these three are the several particulars here, a combination of some only, a combination of some means for example one and two, dishonest misappropriation of property and contrary to contract, ये मिलके एक offence बनाते हैं which constitute a complete minor offence. कौन सा minor offence बन रहा है यहाँ पर? criminal breach of trust under section 405, ये minor offence बनता है। तो सम पर्टिकुलर्स आर बीइंग प्रूव्ड, मतलब डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्री टू कॉन्ट्रैक्ट, ये दो पर्टिकुलर्स प्रूव होते हैं जो कि एक माइनर ऑफेंस बनाते हैं। बट एक थर्ड पर्टिकुलर जो है, जिसको हम पर्टिकुलर ऑफ पब्लिक सर्वेंट यहां पर बोलते हैं, ये प्रूव नहीं हो पाता है। तो ये सेक्शन बोलता है दैट ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ द माइनर ऑफेंस। व्हाट माइनर ऑफेंस? मींस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट under section 405, that person be convicted without even framing the charge, though he was not charged with it. So I hope you have understood this much. Now, subsection 2 says, when a person is charged with an offense and facts are proved which reduce it to minor offense, he may be convicted of the minor offense, although he is not charged with it. बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। For example, किसी के ऊपर सेक्शन 304 का चार्ज लगा हुआ है, which is culpable homicide not amounting to murder, read that section 299. So किसी के ऊपर सेक्शन 304 का चार्ज लगा है, एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को मारा और उस उन चोटों की वजह से वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाता है, वो व्यक्ति जो है उसकी डेथ हो जाती है, कोर्ट चार्ज लगाता है सेक्शन 304 का। नाउ इफ द प्रोसिक्यूशन इज नॉट एबल टू प्रूव द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 304 एंड 299, क्वेश्चन ये आता है कि क्या उस व्यक्ति को जो अक्यूज्ड है उसको क्या हर्ट के चार्ज में पनिशमेंट दी जा सकती है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ दी जा सकती है, क्योंकि ये ऑफेंस जो है ये बात करता है कि जब एक बड़े ऑफेंस में प्रोसिक्यूट आप किए जा रहे हैं और वो अगर प्रूव नहीं हो पाता है तो छोटे ऑफेंस में जो भी माइनर ऑफेंस है उसमें पनिशमेंट दिया सकती है। आंसर है नहीं, ये एक मिस इंटरप्रिटेशन है सेक्शन का। ये जो सेक्शन है केवल एप्लीकेबल होती है कॉग्निट ऑफेंसेस के लिए। दिस सेक्शन इज नॉट फॉर द सेपरेट डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। क्या आप बोलो कि सेक्शन 304 का चार्ज लगा है और वो प्रूव नहीं हो पाया और अबेटमेंट प्रूव हो गया, तो आप सेक्शन 304 की पनिशमेंट ना देके सेक्शन 306 की दे देंगे? ऐसा नहीं होगा
होगा इस सेक्शन में। हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं यहाँ पर कि सबसेक्शन टू क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ एन अक्यूज्ड इज चार्ज विद एन ऑफेंस ऑफ सेक्शन 409 but not for section 406, but if the prosecution is able to prove the particulars of section 406, then court can punish the accused for section 406 without framing charge under it. Now see this example with case law. Now this judgment is very important, Radha Sasidharan versus State of Kerala. This judgment is relevant not only for the purpose of section 222 but also for the purpose of reading section 214 of Criminal Procedure Code. This is very rare judgment which is very useful for section 214. तो ये जजमेंट बोलता है कि माइनर ऑफेंस मेयरली मींस कॉग्निट ऑफेंसेस। अब आपको ये समझना होगा कि कॉग्निट ऑफेंसेस क्या होते हैं। तो कॉग्निट ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एक दूसरे से कनेक्टेड कौन से ऑफेंसेस हैं? सो फॉर एग्जांपल सेक्शन 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बात करता है, उसमें थोड़े और पर्टिकुलर्स मिलेंगे तो 407 बनेगा, कुछ और पर्टिकुलर्स मिलेंगे तो 408 मिलेगा, कुछ और पर्टिकुलर्स मिलेंगे तो सेक्शन 409 बनेगा। कॉग्निट ऑफेंसेस मतलब एक ही टाइप के ऑफेंसेस। सो फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 415 चीटिंग की बात करता है, उसके बाद जितने भी ऑफेंसेस आएंगे 416, 417, 418 ये सारे कॉग्निट ऑफेंसेस में पार्ट है। सो ये जो प्रोविजन है सेक्शन 222, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर सेपरेट डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस बट ओनली फॉर द कॉग्निट ऑफेंसेस। तो जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस इंटरप्रिटेशन है कि किसी भी चार्ज में लगाइए और फिर उसके बाद किसी भी माइनर ऑफेंस में उसको पनिशमेंट दे दीजिए कि अगर वो माइनर ऑफेंस प्रूव हो जाता है, ये पॉसिबल नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल राधा शशिधरन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सेम चीज हुई थी। एक व्यक्ति को सेक्शन 304 में चार्ज लगाए गए थे और जब 304 के चार्ज प्रूव नहीं हो पाते हैं तो प्रोसिक्यूशन ये आर्ग्यूमेंट के साथ आता है कि हर्ट जो है उसमें अक्यूज्ड को पनिशमेंट मिलनी चाहिए अंडर सेक्शन 328 आईपीसी। जो केरला हाईकोर्ट रहता है वो स्ट्रिक्टली मना करता है और बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है बिकॉज सेक्शन 222 इज ओनली फॉर द कॉग्निट ऑफेंसेस। अब ये जजमेंट था सामना साहब एम मुल्तानी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस जजमेंट को ऊपर वाला जो जजमेंट है राधा शशिधरन, इसमें रिलाई भी किया जाता है और इसमें बताया जाता है व्हाट इज मेंट बाय माइनर ऑफेंस अंडर सेक्शन 222 सबसेक्शन 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर ऑफेंस। सो इट सेज for the purpose of section 222 of the code, although the said expression, which expression? Minor offense, is not defined in the code, it can be discerned from the context that the test of minor offense is not merely that the prescribed punishment is less than the major offense. तो कोर्ट क्या बोल रहा है कि केवल कोई ऑफेंस दूसरे ऑफेंस से छोटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो माइनर ऑफेंस है for the purpose of section 222. The two illustration provided in the section, which section? Section 222. Would bring the above point home well. Only if the two offenses are cognate offenses. Read this again. Only if the two offenses are cognate offenses, wherein the main ingredients are common, the one punishable among them with a lesser sentence can be regarded as a minor offense vis-a-vis the other offense. So you need to be clarified with this concept that section 222. जो माइनर ऑफेंस का इसमें डेफिनेशन है वो केवल कॉग्निट ऑफेंस का है। कॉग्निट ऑफेंस क्या होता है, कोर्ट यहां पर डिफाइन करता है, कॉग्निट ऑफेंस वही ऑफेंसेस होते हैं जहां पर उनके मेन इंग्रेडिएंट्स कॉमन होते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रोविजन। इफ यू गेट एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू वॉन्ट नोट्स राइट योर ईमेल आईडी इन द कमेंट बॉक्स, सो आई प्रोवाइड यू दैट एज सून एज पॉसिबल। सो विद दिस होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द सेम, आई लीव यू हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। Thank you.